भगवान शंकर की पूजा में बेलपत्र यानी बीलपत्र का महत्व बहुत बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र के उत्पन्न होने की पवित्र कथा क्या है? आपको बता दें कि स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिर गई थी और उसे बेल का पेड़ निकल आया। चूंकि माता पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ का उद्भव हुआ, अतः इसमें माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। वे पेड़ की जड़ में गिरजा के स्वरूप में, इसके तनों में माहेश्वरी के स्वरूप में और शाखाओं में दक्षिणा यानी और पत्तियों में पार्वती के रूप में रहती हैं। फलों में कात्यायनी स्वरूप में, फूलों में गौरी स्वरूप में निवास करती हैं। इन सभी रूपों के अलावा माँ लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता, अगर वह श्रावण मास में बील के पेड़ के मूल भाग की पूजा करके उसमें जल अर्पित करे तो उसे सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य मिलता है। कमेंट बॉक्स में जय महादेव, जय भोले शंकर जरूर लिखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।